IPL 11 सीजन के लिए बेंगलुरु में नीलामी चल रही है, जहां पर 360 भारतीयों समेत 578 खिलाड़ियों के लिए बोली लगाई जा रही है। भारत और वर्ल्ड के टॉप 16 क्रिकेटरों को मार्की प्लेयर्स का दर्जा दिया गया है और उनका बेस प्राइज 2 करोड़ रुपए है। इसमें बेन स्टॉक्स, रविचंद्रन अश्विन, शिखर धवन, डू प्लेसिस, क्रिस गेल, अजिंक्य रहाणे, पोलार्ड और मिशेल स्टार्क शामिल हैं। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद में मनीष पांडे को 11 करोड़ में खरीदा है, जिनका बेस प्राइज 1.50 करोड़ था। बता दें कि हाल ही में कोलकाता नाइट राइडर्स ने क्रिस लिन को 9.6 करोड़ में खरीदा है। साथ ही इस साल किंग्स 11 पंजाब ने एरॉन फिंच को 6.2 करोड़ में खरीदा है। किंग्स 11 पंजाब ने करुण नायर को 5.6 करोड़ में खरीदा है। किंग्स 11 पंजाब ने फाफ डू प्लेसिस को 1.60 करोड़ रुपए में खरीदा, पर चेन्नई ने राइट टू मैच कार्ड का यूज करते हुए फिर से उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया। हरभजन सिंह को चेन्नई ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा। ड्वेन ब्रावो को जहां किंग्स 11 पंजाब ने 6.40 करोड़ में खरीदा, तो फिर एक बार चेन्नई ने उन्हें अपनी टीम में ले लिया। कोलकाता की टीम ने ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को 9.40 करोड़ में अपने खरीदा। बता दें कि दिल्ली रेड डेविल्स ने किरोन पालोर्ड को 5.40 करोड़ में खरीद लिया था, पर मुंबई इंडियंस ने राइट टू मैच कार्ड के जरिए उन्हें वापस अपनी टीम में शामिल कर लिया। किंग्स 11 पंजाब ने 7.60 करोड़ रुपए में टीम इंडिया के दिग्गज स्पिन गेंदबाज अश्विन को खरीदा है। ऑस्ट्रेलिया के धुआंधार बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल को दिल्ली की टीम ने 9 करोड़ में खरीदा। गौतम गंभीर को दिल्ली ने 2.80 करोड़ रुपए खर्च कर खरीदा। वेस्ट इंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल के लिए किसी भी टीम ने कोई बोली नहीं लगाई, और फिर भी आरसीबी ने उन्हें राइट टू मैच के जरिए अपनी टीम में नहीं लिया।